बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का रोल निभाने वाले एक्टर गूफी पेंटल का निधन हो गया है। गूफी पेंटल ने 78 साल की उम्र में 5 जून की सुबह 9 बजे आखिरी सांस ली। गूफी पेंटल पिछले काफी दिनों से बीमार थे और मुंबई अंधेरी स्थित एक अस्पताल में भर्ती थे। गूफी पेंटल के निधन की पुष्टि उनके भतीजे हितेन पेंटल ने की। गूफी पेंटल का अंतिम संस्कार 5 जून को शाम 4 बजे किया जाएगा। मालूम हो कि जब गूफी पेंटल फरीदाबाद में थे तब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद पहले उन्हें फरीदाबाद के ही एक अस्पताल भर्ती कराया गया था, बाद में उन्हें मुंबई लाकर एडमिट कराया गया। हितेन पेंटल ने बताया कि गूफी पेंटल का निधन सोमवार सुबह 9 बजे हुआ। उनका हार्ट फेल हो गया था। गूफी पेंटल पिछले काफी समय से बीमार थे। इससे पहले हितेन पेंटल ने बातचीत में बताया था कि गूफी पेंटल पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और आईसीयू में रहे। वहां डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे थे। हालांकि गूफी पेंटल की तबीयत में सुधार हो रहा था, लेकिन 5 जून को हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। गूफी पेंटल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी, लेकिन उन्हें पहचान महाभारत के शकुनी मामा के रोल से मिली थी। गूफी पेंटल ने 80 के दशक में कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया था। उनका आखिरी टीवी शो जय कन्हैया लाल की था। गूफी पेंटल जिन टीवी शोज में नजर आए उनमें भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, मिसेज कौशिक की 5 बहुएं, कर्म संगिनी और कर्म फल दाता शनि जैसे नाम शामिल है। वहीं फिल्मों में गूफी पेंटल ने सुहाग, दिल लगी, देश परदेश और दावा जैसे प्रोजेक्ट्स में यादगार किरदार निभाए थे। गूफी पेंटल के निधन से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ फैंस को गहरा सदमा लगा है। गूफी पेंटल के बीमार होने के वक्त से ही फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे थे।